नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं बदलते चंबल पर। एक लंबे अरसे तक जिस चंबल इलाके में बंदूक संस्कृति हावी थी, वहाँ आज काफ़ी कुछ बदलाव आ रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण समाज जाग रहा है। साक्षरता से लेकर तमाम सोपानों पर, यहाँ जमीनी स्तर पर बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज भी खेतिहर समुदाय की स्थिति में उस तरह का बदलाव नहीं आया जैसा आना चाहिए था। ये हैं चंबल घाटी की खतरनाक पीहड़। इनको देख बहुतों का कलेजा कांप जाता है। खूनरेजी और डाकू समस्या के नाते चंबल का इलाका दुनिया भर में बदनाम रहा। चंबल का जिक्र आते ही दिमाग में बागी, बंदूकें और बीहड़ ही कौंधते हैं। यहाँ की घाटियों में बगावत, जुल्म और क्रूरता के साथ रॉबिनहुड शरीफों की तमाम कहानियां भी तैरती हैं। इनसे मुंबईया फिल्मों को काफी मसाला मिला। तमाम फिल्में सुपरहिट रहीं। पुलिस का दलाल बनकर जो चंबल के बेटों से गद्दारी करता है, उसे गोली मार दी जाती है। तूने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। चंबल के दामन में लगे दाग ने इसे तमाम इलाकों से पीछे छोड़ दिया। यही चंबल आज नई करवट ले रहा है। राज्यसभा टीवी ने चंबल के इस नए रूप की पड़ताल करने की कोशिश की है। अभिशप्त चंबल नहीं है, अभी तो ये चमकता चंबल हो गया है। इतने फैक्ट्रीज, इतने कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च लेबोरेटरीज, सबको देखने को मिला तो मैं अचंभित रह गया, क्योंकि इस तरह के इतने विकास हुआ है, आमूल परिवर्तन हुआ है। हम लोग ये लॉ एंड ऑर्डर और ये जो डाकू समस्या का परिणामों से और डाकू समस्या का प्रभाव से बहुत से लोग भयभीत होते थे, उनको डील करने में ही हमारा समय ज़्यादातर खर्च होता था। अब हम देखते हैं बहुत फर्क है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विशाल दायरे में फैली चंबल घाटी सदियों से अभिशप्त रही। तीनों राज्यों की सरहदों ने डाकुओं को आश्रय दिया। इलाकाई लोगों ने इनको बागी माना और भौगोलिक परिस्थितियां और बीहड़ इनके मुफीद रहे। चंबल और उसकी सहायक नदियों के भयानक बीहड़ों में उतरकर किसी को तलाशना आसमान से तारे तोड़ने सरीखा रहा है। बात चंबल के पानी के तासीर की हो या कुछ और, ये जमीन सदियों से बागी रही है। यहाँ के लोग स्वाभिमानी और बहादुर हैं। प्रताड़ना या अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। डाकू समस्या की जड़ों को इससे भी खाद पानी मिला। भूमि विवाद, बदले की भावना, पुलिस उत्पीड़न और हथियारों की सुलभता ने इसे और पनपाया। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी में हालात गंभीर रहे। इसी नाते डोगर बटरी, मान सिंह, लाखन सिंह और पुतलीबाई से लेकर पान सिंह तोमर तक की बहुत लंबी सूची बनी। चंबल इससे बदनाम हुआ और विकास में मीलों पीछे छूट गया। पुराने समय की बातों को लेकर के भिंड मुरैना के बारे में डाकू और खराब उस तरह से देखा जाता है, उसको अब नए नजरिए से देखने की आवश्यकता है। आत्मसम्मान के साथ में रहने वाले लोग, और ये देश के गौरव की बात भी है। इसमें मैं ये चीज़ भी जोड़ सकता हूँ कि किसी भी समय में देश की सेना में भी इसी क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा रहे हैं। 20वीं सदी के आरंभ में डोगर बटरी ने चंबल में ऐसा आतंक फैलाया कि ग्वालियर महाराज से लेकर अंग्रेज तक हिल गए। उसका सफाया हुआ
तो 1939 से मानसिंह ने चंबल को थर्रा दिया। डाकू गिरोहों ने तीन राज्य सरकारों को हिला दिया। 1953 में डीआईजी शांति प्रसाद की अध्यक्षता में एक संयुक्त बल बना। कई दूसरी कोशिशें चली। मध्य भारत सरकार ने 1952 में डाकू समस्या के कारणों और निदान पर रामकृष्ण दीक्षित की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। बीहड़ सुधार के साथ दूसरे कदम उठे लेकिन बेकार रहे। आम आदमी जो वहां का निवासी है उसको इस आंदोलन से या इस मामले से, इस समस्या से जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका समाधान हो पाएगा। क्योंकि सरकार आर्थिक सहायता तो दे सकती है लेकिन जो रहवासी है काम तो उसी को करना है। जमीन के प्रति उसका मोह है, वो जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक इस समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता। चंबल की बंदूकों की गूंज दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची। उनका आदेश हुआ कि चंबल में शांति कायम करने के सभी उपाय हों। मध्य प्रदेश के पुलिस प्रमुख KF रुस्तम ने इसकी जड़ों को तलाशने की कोशिश की। बेहतरीन अधिकारी तैनात हुए और तमाम डाकू मारे गए। आचार्य विनोबा भावे और JP ने भी डाकुओं का हृदय परिवर्तन की कोशिश की। मगर कुछ सालों के अंतराल पर और खतरनाक गिरोह उभरते रहे। दयाराम बाबूराम गडेरिया गिरोह पर चंबल को 14 लाख का इनाम रखना पड़ा। अच्छा, रुस्तम जी एक महान नेता थे। नेतृत्व के गुण में उनमें भरा हुआ था। एक अच्छे नेता जो है वो लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा करता है। डाकू समस्या का निराकरण का जो फाउंडेशन जो है वो उन्हीं ने किया था। नई बयार और बहुत सी कोशिशों ने आखिर चंबल को डाकू गिरोहों से मुक्त कर दिया। 2006 से 2010 के बीच सारे संगठित गिरोहों का सफाया हो गया। तीनों राज्यों के बीच की समझदार और संचार क्रांति के साथ काबिल अफसरों ने भी इसमें अच्छी भूमिका निभाई। जन सहयोग, पढ़ाई लिखाई और चंबल की छवि बदलने की ललक इसके पीछे के कारणों में अहम रही। 1962 के खतरनाक दौर में भिंड में पुलिस अधीक्षक रहे M. नटराजन ने लाखन सिंह जैसे गिरोहों का सफाया किया। उनके पास उस दौर की तमाम यादें हैं। मैं जब SP होकर 62 में यहाँ पर आया, तीन लोकल्स जो इसी एरिया के डाकू एक क्षेत्र में स्थित गांवों के रहने वाले थे वो मेरे गार्ड बने थे। पूरे 8 साल तक यही तोमर और बदोरिया गार्ड्स जो हैं मेरी रक्षा किए और कभी इन पर मुझे अविश्वास करने का मौका नहीं मिला। बागी बंदूकों और घोड़ों पर सवार डकैतों के माध्यम से फिल्मों ने बाहर चंबल की जो छवि बनाई वही चंबल का अतीत नहीं है। ते लोगों ने हमारे हाथ में पकड़ा दी, अब हम भाग रहे चंबल का भीड़ में। जा बात को जवाब को देगो, जा बात को जवाब को देगो। चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना ब्रिज और बुंदेली संस्कृति का संगम है। कर्ण की इस भूमि में बटेसर, मितावली, शनिचरा, पड़ावली और ककनमठ जैसी धरोहरें इसके गौरवशाली अतीत और संपन्नता को दर्शाती हैं। डाकू समस्या थी तो इन पर धूल की परतें चढ़ी थी। अब तमाम पर्यटक इनको रहस्य लोक की तरह देख रहे हैं। विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी होने लगी है। 1956 के बाद चंबल में तैनात रहे कई पूर्व जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने जब इस धरती को दोबारा देखा तो उनको लगा कि कितना कुछ बदल रहा है। भौतिक स्थिति में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है। उस समय की ज्वलंत समस्या थी डकैती, ज्वलंत समस्या थी दलित अत्याचार, उससे दलित ज्यादा समस्या थी महिलाओं पर अत्याचार।
अब ये तीनों में साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है और विकास अपनी ओर से आगे बढ़ता जा रहा है। विकास की धारा जो है वो तेज़ होती जा रही है, सड़कें बन गई हैं, सिहोनिया ककनमठ सब जगह सड़क जा रही है, पुरातत्वीय स्थलों के विकास का प्रयास हो रहा है। देश के बहुत सारे लोगों को चंबल का मतलब यहाँ के बीहड़ ही नज़र आते हैं, लेकिन ये पूरा इलाका पुरातत्विक संपदा और धरोहरों से भरा पड़ा है और जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तमाम लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, वो चंबल के इस नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हैं। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको बताएंगे यहाँ के धरोहरों के बारे में।